गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ फिगर ऑफ स्पीच, चैप्टर नंबर 6 एंड ऑन द पेज नंबर 33. तो आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बताऊँगी कि फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और उनके कौन 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 से फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब मैं आपको एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊँगी. ओके. Figure of speech. A figure of speech is used in language to produce a greater effect on the reader or the listener. Figure of speech का उपयोग language में greater effect के लिए किया जाता है, जिसका प्रभाव जो है reader और listener पर पड़ता है. When we use it, the ordinary ideas become extraordinary. जब हम इसका उपयोग करते हैं तो कोई सामान्य सी बात खास हो जाती है. Resultantly, the beauty of the language increase manifold. तब जो भाषा की खूबसूरती है वह कई मायनों में बढ़ जाती है. There are many different types of figure of speech in the English language. English language में कई प्रकार के figure of speech हैं, but जो important है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो सबसे पहला है सिमिल, जिसे उपमा भी बोलते हैं. Simile is a figure of speech in which a comparison is made between two different objects. तो जो सिमिल है वो भी फिगर ऑफ स्पीच है. सिमिल भी फिगर ऑफ स्पीच है जिसका उपयोग दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है. और जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट, और उनके बीच कम से कम एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए. तो इसमें जो यूजिंग वर्ड हैं जिनके द्वारा हम कंपैरिजन करते हैं वो है सो, लाइक, एज, सो एज. तो ये वर्ड हैं. सिर्फ आप कई जगह मैंने देखा है, कई एग्जांपल्स में सिर्फ तीन वर्ड का उपयोग करता है, सो, लाइक एंड एज. तो इन तीन के भरोसे ही मत रहिएगा कि अगर ये तीन ही आएंगे तभी सिमिल होगा. अगर इसके बाद अगर एज आता है, सो एज आता है तो वो सिमिल नहीं होगा. तो ये दोनों वर्ड भी आप इंक्लूड करके पढ़िएगा. तो एग्जाम्पल देखते हैं. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज हुआ है? देखिए लाइक यूज हुआ है. तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. जीवन जो है एक सपने के समान है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल पे. हर फेस इज लाइक अ मून. उसका फेस जो है मून के समान है. तो यहाँ पर जो कंपैरिजन वर्ड यूज हुआ है वो लाइक हुआ है. नेक्स्ट आते हैं ही फॉट लाइक अ लायन. वो एक शेर की भांति लड़ा या शेर के समान लड़ा. तो यहाँ पर वर्ड लाइक यूज हुआ है. कम टू नेक्स्ट. ही लुक्ड बिग एज एन एलिफेंट. यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड एज यूज हुआ है. ये देखिए तो वो किसी हाथी के समान जो है बड़ा दिखता है. नेक्स्ट है सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज. वह जो है ऐसी ब्यूटीफुल है जैसे किसी रोज या गुलाब के समान. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्पल है इवन इन टाइम्स ऑफ ट्रेबल ही वॉज कूल एज कुकुम्बर. जब वो मुसीबत की या परेशानी के समय भी होता है तो ही वॉज कूल एज कुकुम्बर. वो इस तरह दिखता था जैसे या इस तरह कूल रहता था जिस प्रकार से कुकुम्बर कूल होता है. नेक्स्ट है मेटाफोर, जिसे बोलते हैं रूपक अलंकार. इसे देखते हैं. अ मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड. मेटाफोर भी सिमिल के जैसा ही होता है. ये भी फिगर ऑफ स्पीच है. इसमें भी कंपैरिजन जो होता है मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड. यहाँ पर हम सिमिल में देखते हैं हम ये जो है सो लाइक एज सो एज ये वर्ड यूज करते थे कंपैरिजन के लिए. बट जब हम मेटाफोर में आएंगे तो यहाँ पर हम किसी कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं करेंगे. इसके बिना ही हमें जो है कंपैरिजन करना है.
तो एक चीज और, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है जिनके बीच में कंपैरिजन होता है उसमें ये मान लिया जाता है कि जिस पहले ऑब्जेक्ट की तुलना अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से की जा रही तो वो तुलना नहीं है, वो उसके ठीक समान ही है। मेटाफोर मानता है कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं। ये है इसकी मेन एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग। तो चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज ड्रीम, जीवन जो है एक सपना है। अगर यहाँ हो जाता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो ये सिमिल हो जाता, बट ये मेटाफोर है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है लाइफ का और ड्रीम का, बट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। नेक्स्ट है, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपनी फैमिली का स्टार है। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, एग्जैक्ट बोल रहा है कि वह अपनी फैमिली का स्टार है, वह अपनी फैमिली के स्टार के समान है ये नहीं कह रहा है, वह अपनी फैमिली का स्टार है। मतलब एग्जैक्ट, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है ना समानता है। नेक्स्ट है, ही वॉज द लाइन ऑफ द फाइट, वो जो लड़ाई हुई थी उसमें उसने जो लड़ाई की थी वह एक लाइन के रूप में की थी। तो ये हो गया, यहाँ पर भी उसे माना जा रहा है लड़ाई का शेर, ठीक है ना, वो शेर नहीं है लेकिन उसे माना जा रहा है शेर लड़ाई का, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण। Personification is a figure of speech in which lifeless objects, abstract ideas and thoughts of living beings and also intelligent। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जैसे next figure of speech is पर्सोनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण भी कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड माइंड। पर्सोनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट जिनमें जान नहीं होती है और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं जो, उन्हें ऐसे माना जाता है जैसे ये जीवित हों और उनमें दिमाग भी हो। मतलब एक जीवित व्यक्ति में जिस तरह की अवस्थाएं होती हैं वैसा ही इन्हें माना जाता है। उदाहरण देखते हैं, लव इज ब्लाइंड। लव जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो ब्लाइंड है वो किस में होता है, मनुष्य में ये क्रिया होती है कि वो अंधा हो जाता है, तो यहाँ पर लव को अंधा बताया गया है। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव को यहाँ पर बेस्ट टीचर बताया गया है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसे बेस्ट टीचर बताया गया है। नेक्स्ट है, द ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ड्राइंग मैन। तो ट्रूथ को ऐसा माना गया है जैसे ये कोई मनुष्य हो और सिट्स अपॉन द डाइंग मैन, सॉरी लिप्स अपॉन द डाइंग मैन। तो ऐसा माना गया है कि जो ट्रुथ है वो एक मनुष्य के रूप में है जो कि बैठ सकता है एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर। नेक्स्ट है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो जो टाइम और टाइड, समय को और समुद्र की लहरों को ऐसा माना गया है कि वो किसी का इंतजार नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी जो होती है, किसी चीज का अवसर जो होता है वो दरवाजा खटखटाता है बट एट वंस। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ऐसे पर्सोनिफाइड किया गया है जैसे वो किसी इंसान के रूप में हो। नेक्स्ट है, ड्रीम्स जनरली कम्स व्हेन वी स्लीप। तो सपने अक्सर तभी आते हैं जब हम सोए हुए होते हैं। तो ड्रीम्स को पर्सोनिफाइड किया गया है जैसे वो कोई इंसान हो और वो सोने पर आता है। नेक्स्ट है, अपोस्ट्रोफ, जिसे हम संबंध कारक भी या संबोधन कारक भी बोलते हैं। इसमें यह एक चीज ध्यान जरूर दीजिएगा कि अपोस्ट्रोफ में जब भी अगर किसी सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि अपोस्ट्रोफ है या नहीं है तो उसका एक साइन होता है जो साइड में बना हुआ है अपोस्ट्रोफ वर्ड के बाद जस्ट, तो ये साइन उस लाइन में होगा ही होगा
तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एपोस्ट्रोफ है या नहीं है। तो इसमें इसकी थोड़ी सी मीनिंग देखते हैं। एपोस्ट्रोफ इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। एपोस्ट्रोफ में हम उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं या उनसे बात करते हैं या उनको बुलाते हैं जो कि डेड हैं, मर चुके हैं, एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, अथवा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। ऐसा माना जाता है उन आइडियाज और चीज़ों को जैसे वो किसी मानवीय रूप में हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यहाँ पर विश्व को, जिंदगी को, समय को पुकारा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एपोस्ट्रोफ साइन लगा हुआ जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एपोस्ट्रोफ है। नेक्स्ट है ओ फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड को पुकारा जा रहा है। व्हाई हैव यू लेफ्ट मी अलोन इन दिस प्लेस, तुम मुझे इस जगह पर अकेला छोड़कर क्यों चले गए। नेक्स्ट है ओ फ्रीडम, यहाँ भी एपोस्ट्रोफ साइन है। नीड यू सो दैट आई मे फ्लाई फ्री इन द ओपन स्काई, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है जिससे कि मैं खुले आसमान में फ्री होके उड़ सकूं। नेक्स्ट आता है हाइपरबोल, जिसे बोलते हैं अतिशयोक्ति, कथन को बढ़ा चढ़ा के जोरदार बना के कहना। देखते हैं हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्संस आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल में थिंग्स को ऐसे पेश किया जाता है या व्यक्तियों को इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे एज ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर, जैसा कि वो वास्तविक तौर पर होते हैं उससे भी ज़्यादा ग्रेटर, उससे भी ज़्यादा बेटर और या उससे भी ज़्यादा वर्स, मीन्स बेकार या खराब। एग्जाम्पल पे आते हैं। देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई, उनका चीफ जो है माउंटेन की तरह हाई था। नेक्स्ट आता है शी शेड ओशियन ऑफ टीयर्स, उसने एग्जाम्पल है द क्लाउड्स ब्रोक When he sneezed, sneeze mean होता है छींकना, उसने ऐसा छींका कि बादल फट गए। तो कोई इतना जोर से नहीं छींक सकता है कि बादल फट जाए। नेक्स्ट है my school bag weighs a ton, मेरा स्कूल का जो बैग है उसका भार एक टन के जितना है। क्या स्कूल का बैग का भार इतना हो सकता है? नहीं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति हो गई, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। नेक्स्ट है she cried so much that her tears could fill the sea, वो इतना ज़्यादा रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र जो है फिल हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, जिसे बोलते हैं विरोधाभास। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन सेंटेंस। ऑक्सीमोरन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन ऐसे, ऑक्सीमोरन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का समूह होता है ऑफ अपोजिट मीनिंग, जिनकी विपरीत मीनिंग होती है एक सेंटेंस में। तो देखते हैं लाइफ इज बिटर स्वीट, एक सेंटेंस है लाइफ इज बिटर स्वीट, बट यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड है बिटर एंड स्वीट, तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। नेक्स्ट है हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, ये भी एक सेंटेंस है, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। नथिंग एंड ऑल दो डिफरेंट वर्ड है। नेक्स्ट है ही इज रेगुलरली इररेगुलर, इसमें भी रेगुलरली और इररेगुलर दोनों जो है अपोजिट वर्ड हैं और एक ही लाइन में है कि वह जो है रेगुलर मतलब लगातार रूप से जो है इररेगुलर रहता है। नेक्स्ट है सर्जरी इज द
रिजल्ट ऑफ द काइंड ऑफ क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। यहाँ भी बताया जा रहा कि सर्जरी कोई क्यों करवाता है, अपने अच्छे होने के लिए करवाता है, बट सर्जरी इज द रिजल्ट ऑफ काइंड ऑफ क्रुएल्टी। ये एक प्रकार की क्रुएल्टी है, निर्दयता है, क्रूरता है, जो कि एक सर्जन की नाइफ के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर भी इसमें क्या रहा है, विरोधाभास आ रहा है। आते हैं अगले पे, ओमनोमेटोपोया, जिसे बोलते हैं ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द या ध्वनि अनुकरण या ध्वनि सूचक, जिसमें हम किसी आवाज से जुड़ी हुई चीजें, किसी चीज को हम उसकी आवाज से जोड़ के समझ पाते हैं। तो देखते हैं इसमें, ओमनोमेटोपोया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इज मीनिंग। ओमनोमेटोपोया भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें कि साउंड जो है, आवाज जो है, इसके अर्थ को व्यक्त करता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। इस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं कैसे, द डॉग बार्क्स। अब डॉग को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी आवाज अगर दी हुई है बार्क्स मीन्स भौंकना, तो अगर कुत्ता भौंकता है उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर कोई भौंकता है तो वो कुत्ता है। नेक्स्ट है द स्नैक हिश। स्नैक कैसी आवाज करता है, हिश की। अगर हिश की आवाज का कहीं पे उल्लेख होता है तो इसका मतलब वो स्नैक के द्वारा निकाली जा रही। नेक्स्ट है द बीज बज्ड। बीज कैसी साउंड करती हैं, बज की साउंड करती हैं। तो यहाँ पर हम उसकी बज की आवाज से हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बीज की आवाज है। नेक्स्ट है द रेन वेंट ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ऑन द रूफ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूफ से जो है रेन ड्रॉप्स जो है गिर रही हैं, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप के रूप में। तो अगर ड्रिप ड्रॉप ड्रिप आता है तो वो ये जाना जाएगा कि जो बरसता हुआ पानी है इस पे, इससे इसका संबंध है, मतलब इस साउंड से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रेन है। नेक्स्ट आता है एंटीथीसिस, जिसे बोलते हैं विपरीत या विलोम। एंटीथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इन एंटीथीसिस अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटीमेंट इज मेड इन द सेम सेंटेंस। यहाँ पर भी ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पर दो शब्दों का या सेंटीमेंट्स का अपोजिशन होता है, जो कि एक सेम सेंटेंस में होते हैं। देखते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक ही सेंटेंस में देखिए अपोजिशन हो रहा है यहाँ पर। अगर हम एकता में रहोगे तो खड़े हो सकते हैं, अगर हम अलग अलग हो गए तो गिर सकते हैं। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। कई लोग बुलाए जाते हैं बट कुछ ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट है मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। मैन जो है प्रपोज करता है बट गॉड जो है डिस्पोज कर देता है। नेक्स्ट है गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। मुझे या तो आज़ादी दे दो या तो मुझे मौत दे दो। नेक्स्ट है द अर्थ इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो गलती करना जो है मनुष्य का काम है और माफ करना जो है डिवाइन है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, इसे बोलते हैं अनुप्राश अलंकार। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर और द सेम सिलेबल, इट इज नोन एज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें दो या दो से अधिक जो है शब्द एक ही शब्द से शुरू होते हैं और जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द एक लेटर से शुरू होते हैं अथवा सेम सिलेबल से शुरू होते हैं, जिसे कि हम जो है एलिट्रेशन के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। तो देखिए यहाँ पे एच वर्ड जो है इसका रिपीटेशन हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन। नेक्स्ट है पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर।
यहाँ पर पी वर्ड से स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे टू, पहले इस पे जाते हैं, इसकी डेफिनेशन पे, व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर। यहाँ पे देखिए कई सारे वर्ड्स हैं बट स्टार्टेड विद सेम लेटर पी। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, शेल इज शोल्ड सी शेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पे एस बर्ड की रिपीटेशन हुई है। नेक्स्ट है द माउस मेड मिलियंस ऑफ मफिन्स। यहाँ पे एम वर्ड की रिपीटेशन हुई है जिसे हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। मतलब यहाँ पे वॉवेल या कॉन्सोनेंट से लेना देना नहीं है कि ये वॉवेल से स्टार्ट होगा या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ये जिससे भी स्टार्ट होगा उस वर्ड का वो पहला लेटर जो होगा वो पूरी लाइन में कई वर्ड में होगा। आते हैं मेटोनोमी। इन मेटोनोमी अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विथ इट, एज वी यूज वर्ड सॉरी शॉर्ट फॉर वॉरियर्स एंड पेन फॉर अदर ऑथर्स। मेटोनोमी है भी जो है वो किसी चीज़ों से रिलेटेड होती है, थिंग्स से। जैसे कि हम कहते हैं कि जो तलवार होती है विजेता के लिए होती है और पेन जो होती है वो ऑथर के लिए होती है। देखते हैं द पेन इज माइटर देन शॉर्ट। पेन जो होती है तलवार से ज़्यादा तेज होती है या ज़्यादा जल्दी से असर करने वाली, प्रभावकारी होती है। यू मस्ट एड्रेस द चेयर। यहाँ पे चेयर से मतलब चेयर पर्सन से है। वी आर रीडिंग शेक्सपियर। हम यहाँ पे शेक्सपियर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम शेक्सपियर के लिखे गए बुक्स को या उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। द सिटी स्लीप्स। द सिटी स्लीप्स का मतलब शहर पूरा नहीं सो गया है, शहर में रहने वाले लोग सो गए हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, जिसे हम बोलते हैं पन। पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अ पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट ह्यूमर एडमिरेशन और सरप्राइज। पन जिसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं, ये इसमें किसी एक शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि उसका एक से ज़्यादा अर्थ हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसका अलग अलग असर हो। यहाँ पर देखते हैं ये एक तरीके से शब्दों का खेलना जैसे है। इन इट वर्ड्स आर यूज इन सच अ वे दैट डिफरेंट मीनिंग। इनमें वर्ड का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि जिससे उसकी डिफरेंट टाइप की मीनिंग निकले। क्रिएट ह्यूमर एडमिरेशन और सरप्राइज, जिससे कि ह्यूमर हो सके या सरप्राइज हो सके। देखते हैं एग्जांपल, व्हेन अ क्लॉक इज हंग्री इट बैक फॉर सेकेंड। जब एक क्लॉक हंग्री होती है वो 4 सेकेंड पीछे हो जाती है। यहाँ पर हंग्री होने का अर्थ, एक तो हंग्री भूखा हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया यहाँ पर कि जब घड़ी में बैटरी नहीं होती है या ये चार्ज नहीं होती है तो ये 4 सेकेंड पीछे हो जाती है। नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे वो कहना कुछ चाह रहा है लेकिन सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये कुछ और उसकी मीनिंग शो कर रहे हैं। अ मैन स्टोल अ केस ऑफ सोप फ्रॉम द कॉर्नर स्टोर। एक आदमी ने जो सोप केस है उसको कॉर्नर स्टोर से चुरा लिया। ही मेड अ क्लीन गेट वे, उसने उसके लिए क्लीन गेट वे तैयार किया। तो सोप जो वर्ड है उसका काम होता है धोने से यूज होता है, और क्लीन गेट वे, क्लीन भी साफ से लेना देना है, इसका शब्द का मीनिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दो वर्ड यूज हो रहे हैं ये यूज किसी तरीके से हो रहे हैं बट इनका जो अर्थ निकल रहा है वो कुछ और ही आ रहा है। नेक्स्ट है, आई वॉज गोइंग टू लुक माई मिसिंग वॉच बट आई डिडेंट हैव द टाइम। मैं जो है अपनी खोई हुई वॉच जो है देख रहा हूँ पर मेरे पास उसे देखने के लिए टाइम नहीं है। वॉच किस लिए यूज होती है, टाइम देखने के लिए यूज होती है। और वो वॉच खो चुकी है बट उसे देखने के लिए या ढूंढने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर
किस तरीके से यूज हो रहा है, ये देखिए कि आई वॉज गोइंग टू लुक माई मिसिंग वॉच, मैं अपनी मिसिंग वॉच जो है उसे देख रहा हूँ, बट डिडंट हैव द टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस में वर्ड जो यूज हो रहे हैं उनकी मीनिंग डिफरेंट है और जो पूरे सेंटेंस की मीनिंग है वो डिफरेंट आ रही है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स को बोलते हैं चरमोत्कर्ष पर पहुंचना या विचारों का बढ़ता हुआ क्रम। क्लाइमैक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच, क्लाइमैक्स भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। और क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस व्हेन द लास्ट बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लाइमैक्स है वो फिगर ऑफ स्पीच है, इस ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है यूज होता है, मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहती हैं। व्हेन द लास्ट बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो लास्ट वन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्सपोजिशन होता है, फिर राइजिंग एक्शन, फिर उसके बाद क्लाइमैक्स, फिर फॉलिंग एक्शन, और फिर होता है डिनोमिनेंट, मतलब उपसंहार। तो सबसे पहले इसका चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। तो यहाँ पर मैं हंसा, मैं दौड़ा और मैंने गाना गाया, और आई डांस फॉर जॉय, मैंने अपनी खुशी के लिए गाना गाया। तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसने किसको दे दी है, डांस को। नेक्स्ट है लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशन टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड। तो एक आदमी जो होता है वो स्वीकार करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट उसका कर्तव्य क्या है, तो सबसे पहले वो देता है कि उसके लिए टू हिमसेल्फ, उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहले उसकी फैमिली, फिर उसकी कंट्री, फिर उसका गॉड। तो इस तरीके से ये विचारों का बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है। आते हैं अगले। सिंस कॉन्कॉर्ड वॉज लॉस्ट, फ्रेंडशिप वॉज लॉस्ट, फिडेलिटी वॉज लॉस्ट, लिबर्टी वॉज लॉस्ट, ऑल वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कॉन्कर्ड मीन्स होता है जीतना या विजेता होना, ये भी खो गया, दोस्ती भी चली गई और कर्तव्य निष्ठा भी चली गई सत्य के प्रति, और आज़ादी भी चली गई, ऑल वॉज लॉस्ट, सब कुछ चला गया। ये भी विचार ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज जस्ट अपोजिट टू क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स जो है जस्ट अपोजिट है क्लाइमैक्स का। एंटी क्लाइमैक्स इज अ लडिकुरस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया वेयर द लास्ट वन इज लोअर इम्पॉर्टेंट। तो ये भी उसी तरीके से होता है जिसमें ये विचारों का घटता क्रम होता है, और इसमें जो लास्ट वन होता है वो लेस इम्पॉर्टेंट और लोअर इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन एंड हिज वॉच इन एन एक्सीडेंट। उसने खो दिया अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को और अपनी घड़ी को एक एक्सीडेंट में। तो जो वाइफ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद डॉटर है, उसके बाद सन है, उसके बाद उसकी घड़ी है। तो जब जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, वॉच है, एंड द हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट इज हिज वाइफ। कम टू अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, जिसे बोलते हैं आयरनी। आयरनी मींस व्यंग्योक्ति या व्यंग। जब हमें व्यंग बोलना होता है तो उसे बोलते हैं मक्सर की, यहाँ पर तो आयरनी है। आते हैं हम। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी इज द मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग ऑफ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरली बीइंग सेड। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऐसा बोला जाता है एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरली बीइंग सेड।
वो बिल्कुल जो बोला जा रहा है लिटरली वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट मीनिंग से अलग होता है. एग्जाम्पल देखते हैं, द बटर इज एज सॉफ्ट एज अ स्लैब ऑफ मार्बल. बटर जो है इतना सॉफ्ट है जैसे कि किसी मार्बल या पत्थर का टुकड़ा, स्लैब मीन्स पटिया या चीप कुछ ऐसा, तो वो इतना सॉफ्ट है जैसे कि पत्थर. तो यहाँ पर दोनों की एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गई लिटररी, उसे क्या कहा जाता है, बटर इज सॉफ्ट एज स्लैब ऑफ मार्बल, बट उसकी मीनिंग क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, वो कितना कैसा है, एकदम कड़ा है. नेक्स्ट है, द डॉक्टर इज अ काइंड हार्टेड एज अ वुल्फ. डॉक्टर जो होता है वो इतने दयालु हृदय का होता है जैसे कि एक वुल्फ. वुल्फ मीन्स भेड़िया जो होता है उसकी तरीके से, मतलब वुल्फ जो है हृदय से क्या होता है, वो दयावान तो नहीं होता है. अगर वुल्फ जो है दयावान हो तो वो बिल्कुल काऊ की तरह सीधा हो जाए, घास फूस खाने लगे, बट वो जो है दयावान नहीं होता है, वो शिकार करता है. इसलिए डॉक्टर को भी यहाँ पे ऐसा ही कहा गया कि वो काइंड हार्टेड है, दयालु है, बट किसके जैसा, वुल्फ के जैसा. और वुल्फ की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर दयनीय क्रुएल्टी होती है. नेक्स्ट है, हिज फ्रेंड्स हैंड वाज एज सॉफ्ट एज रॉक. उसके फ्रेंड के हाथ इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि रॉक. सॉफ्ट होना और रॉक होना, यहाँ पे व्यंग कहा जा रहा है कि उसके हाथ इतने सॉफ्ट हैं जैसे पत्थर या चट्टान, तो उसके हाथों के लिए यहाँ पर ये व्यंग उगती है. नेक्स्ट है, द स्टूडेंट वॉज गिवन एक्सीलेंट ऑन गेटिंग जीरो इन द एग्जाम. एक स्टूडेंट है जो कि उसने उसे एक्सीलेंट मिला, बट क्यों मिला, ऑन गेटिंग जीरो इन द एग्जाम, उसने जीरो पाया इसलिए. तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो क्या है, व्यंग्योक्ति है, आयरनी है कि उसे जीरो मिलने पर एक्सीलेंट मिला. नेक्स्ट है, देयर न्यू बॉस वॉज एज सिविलाइज्ड एज शार्क. उनका जो नया बॉस है वो इतना ज़्यादा सभ्य है जैसे कि एक शार्क होती है. शार्क जो है सिविलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर व्यंग्योक्ति हो गई है, यहाँ से सेंटेंस में आयरनी है. नेक्स्ट है,